हेलो मोहन पवार, सपोज करिए आप एक मिड साइज एसयूवी देख रहे हैं। आप जाते हैं क्या के शोरूम में सेल्टोस को देखने के लिए। वहाँ पे अक्सर आपको पता होगा टेस्ट ड्राइव के लिए केवल टॉप मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। आप टॉप मॉडल की टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसके बाद आप सेटिस्फाई होते हैं कार से और आप HT के डीजल बुक कराने की इच्छा कर लेते हैं। उसके बाद आप कार को सौंप देते हैं क्या के सेल्स एग्जीक्यूटिव को शोरूम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई बार टेस्ट ड्राइव में ऐसा होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव चलाता है कुछ दूर तक गाड़ी को, फिर आपको मेन रोड पे लाके दे देता है। ऐसे ही सेम जब आप टेस्ट ड्राइव पूरी कर लेते हैं तो सेम चीज वो तब भी करता है, पहले ही आपसे कार ले लेता है। तो सेम चीज चेन्नई में हुई विशु प्राग भाई के साथ, जो कि जब किया सेल्टोस डीजल वेरिएंट की दोपहर में टेस्ट ड्राइव लेने के बाद को पैसेंजर सीट पे बैठे थे, काफी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे। जैसे मैं जब अपनी किया सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव लेने गया था, तो जैसे मैं कर रहा था तो मैं भी काफी सारी चीजें देख रहा था, वीडियो बना रहा था, तो सेम वो भी कर रहे थे। और मेन चीज जो इन टॉप मॉडल्स में किया या क्रेटा में लोग करते हैं कि बोस के स्पीकर चेक करते हैं, तो सेम चीज विशु प्राग भाई भी चेक कर। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही रेयर है, लोगों को आंसर मिल गया जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर टेस्ट ड्राइव व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये टेस्ट ड्राइव किस तरीके से खतरनाक बन गई। साइड में बैठे विशु भाई वीडियो भी शूट कर रहे थे और बोस के स्पीकर चेक कर रहे थे। अचानक से हुआ क्या कि कार एकदम से जो डिवाइडर होता है उससे जाके टकरा गई और कार वहीं की वहीं पलट गई। उसके बाद को पैसेंजर और ड्राइवर को माइनर चोटें आई, वो हॉस्पिटल गए, फर्स्ट एड उन्होंने लिया। उसके बाद विशु भाई आके गाड़ी को देखते हैं उसकी हालत क्या है। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको ये एक्सीडेंट में लगेगा ये टायर बस्ट के कारण एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अभी जब विशु भाई से मैंने फोन पे बात करी है उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग डालने से इनकार किया है, क्योंकि क्या वालों ने भी ये सारा मैटर डिस्क्लोज करने से मना किया है। इसीलिए मैं शोरूम वगैरह की डिटेल्स आपको इस वीडियो में नहीं दे रहा हूं। तो एक्चुअली जब पुलिस वगैरह ने इसकी जांच की है तो टायर बस्ट का इशू इसमें नहीं दिखा है। इसमें जो इशू दिखा है वो ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ है। पुलिस ने कार में क्रैकलिंग चेक करी, उसका टायर प्रेशर चेक किया और बहुत सारी चीजें चेक करने के बाद उन्होंने टायर बस्ट इशू को कंफर्म नहीं बताया कि ये इसी की वजह से हुआ है। और उन्होंने मेरे को ये भी बताया अगर टायर बस्ट होता है तो आप स्टेयरिंग का कंट्रोल लूज नहीं होता है आपसे। और अभी तक यही माना जा रहा है कि जब कार का एक्सीडेंट हुआ है डिवाइडर पे जब ये चढ़ी है उसके बाद इसका टायर बस्ट हुआ है, और इस कार की दो दिन पहले ही सर्विस हुई थी ये भी पुलिस को बताया गया है, और साथ में इस एक्सीडेंट की लीगल प्रोसीडिंग्स भी चल रहे हैं। अब बात करते हैं इस एक्सीडेंट का भुगतान कौन करेगा, जो कस्टमर था या फिर जिसकी गाड़ी थी या जो ड्राइवर था। तो इनमें से कोई भी ये पे नहीं करेगा, इसका क्लेम ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी को जा चुका है। वैसे मैं आपके लिए बता देता हूँ जो किया सेल्टोस के टॉप मॉडल्स हैं उनमें गुडियर के टायर आते हैं, और उन गुडियर के टायर्स को गुड नहीं बताया जाता है। अगर आप फोरम से मिलेंगे किया सेल्टोस के तो वहां पे आपको दिखेगा कि बॉयकॉट गुडियर या फिर इसकी बुराइयां होती हैं, मतलब इस टायर के साथ कस्टमर से जो वो संतुष्ट नहीं है। तो अभी तक इस पूरे एक्सीडेंट में यही माना जा रहा है कि ड्राइवर ने एकदम से गलती से राइट की तरफ स्टेयरिंग मोड़ दी, जिसकी वजह से कार हाई स्पीड पे डिवाइडर से जाके टकरा गई। और बिल्ड क्वालिटी कार की तारीफ लायक है, ड्राइवर और पैसेंजर को माइनर इंजरी हुई है, और आप कार की हालत देखेंगे तो ये आपको भयंकर एक्सीडेंट दिखेगा। तो आपको टेस्ट ड्राइव के वक्त भी सावधान रहना है, जो बंदा चला रहा हो उससे बोलिए कि मैं अपना फीचर्स को देख लूंगा, आप कृपया करके कॉन्सेंट्रेट करें केवल ड्राइविंग पे। तो सेफ चलाइए, थैंक यू सो मच।